सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने तहसील के सामने किया धरना प्रदर्शन। साजा ब्लॉक के बगलेडी गांव के ग्रामीणों ने किया तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे महिलाएं, डेढ़ साल पहले आए बाढ़ से बहुत से मकान व फसलों को हुआ था नुकसान, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाने के कारण वो लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर काट। ग्रामीण आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचे तहसील कार्यालय, साजा कर रही जमकर नारेबाजी। इससे पूर्व भी तहसीलदार के आश्वासन पर ग्रामीणों ने इंतजार किया कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन लगातार अधिकारियों की मनमानी के चलते ग्रामीण डेढ़ सालों से बाढ़ के मुआवजे के लिए दर दर भटक रही हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने आज फिर साजा तहसील कार्यालय के सामने बैठकर अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाते रहे। बड़े रसूखदारों को मुआवजा मिला, लेकिन गरीब ग्रामीण के घर ढह गए, जिनके राशन कपड़ा बह गए, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। बेमेतरा जिला के साजा ब्लॉक शुरू से अधिकारियों की मनमानी के चलते चर्चा पर है। देखना होगा इन ग्रामीणों को कब तक न्याय मिल पाता है। मुख्य कारण है उनको जो उनके मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनमें आज मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि पूरे गांव के लोगों को, अधिकांश लोगों को, जो लोग पात्र नहीं थे उनको मुआवजा राशि मिल गई, लेकिन ये बिचारी महिलाएं और गांव के पुरुष आए हैं, पूरे परिवार सहित आज मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। हमारा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि मुआवजा राशि में भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा सभी के लिए समान होना चाहिए और उस राशि का सबसे रूप से बराबर वितरण होना चाहिए, लेकिन आज इन लोगों पूरा पानी आ रही ना, तो ये बड़े बड़े लोग मिले हमारे लग, कुछ भी नहीं मिले, हमारे घर के लिए सब फूट फाट गए है, कोई मतलब नहीं हम अल्लाह, तो बड़े बड़े लोग देवत है, हमारे कुछ तो देना चाहिए। 7 दिन की मोहलत दे रही से तहसीलदार, और आज 15 दिन हो गए कुछ भी नहीं देखे यहाँ पे। हाँ, एक बार और आ रहे हैं। अभी कतक संख्या पहुँचे यहाँ पे? तुम्हारा 5वां बार हो गया अभी, हॉन 100 जने। अगले साल जो बाढ़ रही ना, मैंने घर घर में चाउर दार मकान सब फूट गए थे, कैसा क्षति फूट गया है, और कुछ आदमी मिल गए बड़े बड़े, और हम अलग नहीं मिले। योगेश सिंह, राजपूत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।